इंदे चो गड्डी दा अभी हमने दो लोगों को जो हमारा सब इंस्पेक्टर इंचार्ज पीपी मढ़ीन का था जिसकी गाड़ी को हिट करके कुछ लोग क्रिमिनल्स जो भाग गए थे उनमें से दो लोगों को हमने गिरफ्तार किया है। एक का नाम उसमें है रोशनदीन और दूसरे का नाम जो है ये रोशनदीन जो है सन ऑफ शेर अली और शेर बनी आरओ हांदेचक का है। दूसरा है मोहम्मद सदीक एलियस बंटू सन ऑफ मल हुसैन आरओ चकदेसा का है और ये दो उस केस में आइडेंटिफाई हुए थे और ये यहीं पे कठुआ में पीएस पुलिस स्टेशन आपका राजबाग की जुरिसडिक्शन से ही गिरफ्तार किए गए हैं। सर ये क्राइम को करके सर की जो कहाँ भाग गए सर उसके बाद? देखिए ऐसा है कि इन्वेस्टिगेशन की बहुत सारी डिटेल्स मैं आपके साथ शेयर तो नहीं कर सकता हूँ लेकिन उसको हिट करने के बाद जो गाड़ी वहाँ पे नाले में हमने इनकी रिकवर की जिसमें पांच बुआइन भी हमने रिकवर किए थे गाड़ी को भी रिकवर की थी गाड़ी को छोड़ के ये भाग गए थे। उसके बाद टेक्निकल सर्वेलेंस के बाद करते रही हमारी पार्टी चारों तरफ पंजाब और कठुआ डिस्ट्रिक्ट और इवन सांबा डिस्ट्रिक्ट में इनको ढूंढते रहे बट फाइनली हमने इनको कठुआ की जुरिस्डिक्शन राजबाग के एरिया में ही इनको पकड़ लिया। सर ये दोनों जो आरोपी हैं सर इन पर पहले भी इस तरह के मुकदमे हैं कि क्या वे पहले भी क्रिमिनल एक्टिविटी? देखिए ऐसा है कि इनके ऊपर तो रेगुलर सर्वेलेंस पुलिस की है दे आर इन्वॉल्व्ड इन बोवाइन एंड नारकोटिक्स पेडलिंग और कठुआ पुलिस बड़ी देर से इनको ढूंढ भी रही है अलग अलग उसमें और इनकी एग्जैक्ट कहाँ कहाँ कितनी कितनी FIRs हैं पंजाब में हैं कि यहाँ कठुआ में है दैट वी आर लुकिंग इनटू उसमें डिटेल इन्वेस्टिगेशन की हुई है। SDPO बॉर्डर को हमने हदायत दी है कि वो इसमें डिटेल्ड इन्वेस्टिगेशन करे और क्या इसमें और लोग भी थे इन्वॉल्व उस दिन गाड़ी में कि नहीं थे दैट वी आर ऑल्सो लुकिंग इन टू। सर नारकोटिक्स भी इसमें इन्वॉल्व है थोड़ा बहुत? ये तो इन्वेस्टिगेशन के बाद ही पता चलेगा कि किन किन केसेस में किन किन क्राइम्स में ये इन्वॉल्व है।